名はドンキホーテドフラミンゴ。तो भाई लोग आगे वीडियो देखने, मुझे पता था आप लोग जरूर आओगे। तो भाई लोग कैसे हो सभी, क्या हाल चाल? आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और तड़कता भड़कता वीडियो में। पुरानी यादें ताजा करेंगे यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो भाई लोग, क्या आप लोग भी फ्री फायर के शॉर्ट वीडियो डाल के लाखों पे व्यूज छापना चाहते हो? नहीं। अगर इसका जवाब हाँ है तो वीडियो को एंड तक अच्छे से वॉच करना, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम लोग मचाने वाले तबाही। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मतलब हम लोग तबाही वाला एडिटिंग करने वाले गाइस। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग बार्टेक वाईटी की तरह एडिट करने वाले गाइस। एंड आप लोग भी इस टाइप का एडिटिंग करके व्यूज छाप सकते हो। तो तेरा व्यूज क्यों नहीं आया भाई? हाँ, ये कर लो पहले। सॉरी भाई लोग, तो मजाक को रखते साइड में एंड अभी थोड़ा सीरियस हो जाते गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बार्टेक क्वालिटी की तरह शॉर्ट वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, अभी इस टाइप का शॉर्ट वीडियोस काफी ज्यादा ट्रेंड पर चल रहे हैं, तो आप लोग भी ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो इस टाइप का शॉर्ट वीडियो बना के। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। गाइस ये वाला बंदा देख रहे हो, फास्टर वीर, ये वाला बंदा काफी सही मॉन्टेज वीडियो बनाता है, काफी अच्छा मॉन्टेज वीडियो बनाता है, पर भाई का चैनल अभी डेड हो रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा भाई को प्यार देना है, सपोर्ट देना है। भाई का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे एंड पिन कॉमेंट पे जाएगा, जाकर सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाना भाई को। एंड गाइस, कोई भी चैनल पर न्यू आ रहे हो, पहली बार के लिए आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस लाते रहते हैं आप सभी लोगों का हेल्प करने के लिए, तो सब्सक्राइब करके हमारा भी हेल्प कर देना। एंड अगर आप लोग भी चाहते हो मैं आप लोगों को शाउट आउट दूं, आप लोग कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करके आपका जो गेम प्ले वाला क्लिप है आप लोगों को ऐड कर लेना है। एंड आप लोगों को फॉर्मेट पे जाना है, 9:16 के ऊपर सबसे पहले तो क्लिक कर देना है। एंड एंडिंग वाले पार्ट को डिलीट करके आपके गेम प्ले में से जिस पार्ट में आपने हेडशॉट वगैरह मारा है इमोट दिखा के, उस वाले पार्ट को आप लोगों को रखना है, बाकी का पार्ट डिलीट कर देना है, ठीक है? तो अभी क्या करना है गाइस, अभी आप लोगों को आपके क्लिप को जूम कर लेना है। अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे आप लोगों को क्लिप को रिकॉर्ड करना है। गाइस, आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोगों को इमोट दिखाना है खड़े होकर, ठीक है? एंड अभी इमोट दिखाने के बाद गाइस आप लोगों को कहना है आपके दोस्त को कि सीधा दौड़ के आने को, एंड उसको हेडशॉट मार के फिर से इमोट दिखाना है आपको, ठीक है? यही काम बस आपको करना है, इस तरीके से क्लिप को रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है? एंड अभी गाइस क्या करना है आप लोगों को, इतना काम करने के बाद ओवरले के ऊपर क्लिक करके आप लोगों को ये वाला ओवरले मिल जाएगा। इसके साथ बाकी और भी दो ओवरले मैंने प्रोवाइड किया, आप लोग डाउनलोड करके ऐड कर लेना, ठीक है? तो मैंने ये वाला ओवरले ऐड किया है, ऐड करके मैं अपने क्लिप को एडजस्ट कर लूंगा, कुछ इस टाइप से मैंने जूम कर लिया, आप लोग देख सकते हो। सो इतना काम करने के बाद गाइज अभी हमें क्या करना है, अभी गाइज हमें जो है ऑडियो का ऐड कर लेना है। ऑडियो का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑडियो को ऐड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ऑडियो के साथ गेम प्ले को सिंक करना है। इसके लिए ऑडियो का जहां पर मेन बीट स्टार्ट हो रहा है वहां पर हेडशॉट को हमें रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ऑडियो को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है? एंड अभी ऑडियो को पहले से स्प्लिट कर देने के बाद गाइज यहाँ पर हमें थोड़ा कट लगा के गेम प्ले को अंदर लेकर आना है, ठीक है? गेम प्ले बाहर चला गया देख सकते हो, तो अभी से ये अभी पूरा इमोट अंदर दिख रहा है फ्रेम के अंदर। एंड अभी जो पहला वाला पार्ट हमने स्प्लिट किया ना, उसी को हमें दोबारा कॉपी कर लेना है, ठीक है? एंड कॉपी करने के बाद गाइज क्या करना है, जहाँ पर मेन बीट आप लोग देख पा रहे हो इस वाले पार्ट से मेन बीट स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, इस वाले क्लिप को, जिस वाले क्लिप को हमने कॉपी किया था, इस वाले क्लिप को इस तरीके से ट्रिम कर देना है, ठीक है? एंड देख सकते हो अभी हमारा हेडशॉट जो है बिल्कुल सही बीट पे लग रहा है, सही जगह पर लग रहा है, ठीक है? तो हमने अच्छे से एडजस्टमेंट कर लिया है, ठीक है? देख सकते हो अभी बीट पे ही हेडशॉट आ रहा है, तो क्लिप सिंक हो चुका है। अभी गाइस एंड के पार्ट में आना है, एंड एंड के पार्ट पर आके आप लोगों को एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना है, एक्स्ट्रा ऑडियो को डिलीट कर देना है, ठीक है? एंड अभी गाइस आप लोगों को पहले के पार्ट पर चले जाना है, एंड यहाँ पर ऑडियो को सिलेक्ट करके आप लोगों को फेड इन एंड फेड आउट ड्यूरेशन को ऑन कर देना है। एंड अभी पहला वाला जो गेम प्ले का मतलब कि वो इमोट वाला क्लिप है, उस
उसको सिलेक्ट करके क्या करना है, आप लोगों को एडजस्टमेंट में जाना है। एंड देख सकते हो मैं जैसे जैसे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ आप लोगों को भी वैसे ही एडजस्टमेंट कर लेना है। एंड एडजस्टमेंट करते वक्त देख पा रहे हो कि पहले से गेम प्ले का क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एडजस्टमेंट करने के बाद आप लोगों को अप्लाई टू ऑल कर देना है ताकि वो वाला एडजस्टमेंट सभी क्लिप के अंदर अप्लाई हो जाए। ठीक है, देख सकते हो बहुत ही अच्छे से जो है क्लिप का एनहेंसमेंट हो चुका है एडजस्टमेंट करने के बाद। अभी गाइस जहाँ पर हमने हेडशॉट मारा उस वाले पार्ट को हम लोग स्प्लिट करके कोई सा भी इन एनिमेशन डाल देंगे। सेक टू वाला मैंने डाला है, आप लोग कोई सा भी सेक डाल सकते हो। एंड गाइस इतना काम करने के बाद जहाँ पर हमने लास्ट पे इमोट दिखाया है वहाँ पर सेक वाला इफेक्ट को ऐड कर लेना है वीडियो इफेक्ट्स के अंदर जाके। एंड यहाँ पर आप लोगों को स्पीड एंड इंटेंसिटी को मैं जितना रख रहा हूँ आप लोगों को भी उतना रख देना है। ठीक है, एंड आप लोग अपने हिसाब से भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड गाइस इतना काम करने के बाद अभी आप लोगों को स्टार्टिंग वाले पोजिशन पर चले आना है। एंड आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा कैमरा शेक वाला इफेक्ट। ठीक है, कैमरा शेक वाला इफेक्ट, तो आप लोगों को कैमरा शेक वाला इफेक्ट स्टार्टिंग के पोजिशन में अप्लाई कर देना है। जहाँ पे हमारा जो है बीट आया एंड हेडशॉट लगा वहाँ पे उससे पहले तक हमें रख देना है। ठीक है, एंड अभी गाइस हमें क्या करना है, हमें ये वाला जहाँ पर बाहर जा रहा था क्लिप उसको एडजस्ट कर लेना है। बाकी हमारा क्लिप पूरा रेडी हो चुका है, इतना काम करने के बाद हम लोग क्लिप को एक्सपोर्ट कर दें। ओरे नो ना वा डोन किहोते डोफ्रामिंगो।